अरे सब्सक्राइब कर लो यारो, हंसाने की फुल गारंटी है। पापा पिंकी से, तुम्हारे गणित में इतने कम नंबर क्यों आए? पिंकी पापा से, गैर हाजिरी के कारण। पापा गुस्से में, क्या तुम गणित की परीक्षा के दिन गैर हाजिर थी? पिंकी, मैं नहीं, मेरे बगल में बैठने वाली लड़की गैर हाजिर थी। चिंटू दादाजी से, दादाजी आपके सिर के बाल तो सफेद है लेकिन मूंछों के बाल काले क्यों हैं? दादाजी चिंटू से, बेटा मेरे मूंछों के बाल मेरे सर के बाल से 20 साल छोटे हैं। पुत्र पिता से, पापा मैं इतना बड़ा कब हो जाऊंगा कि मम्मी से बिना पूछे घर से बाहर जा सकूं? पिता ठंडी सांस लेते हुए, बेटा इतना बड़ा तो अभी मैं भी नहीं हुआ हूँ। टीचर छात्र से, बेटा आज तुमने कौन सा अच्छा काम किया? छात्र टीचर से, मैंने अपने 4 दोस्तों के साथ बुजुर्ग महिला को सड़क पार करवाई। टीचर छात्र से, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर इस छोटे से काम के लिए 5 लोग क्यों लगे? छात्र टीचर से, क्योंकि वह महिला सड़क पार नहीं करना चाहती थी। शिक्षक सोनू से, तुम गणित में फैल हो गए हो। सोनू शिक्षक से, मैं क्या करता, आपने ही गलत पढ़ाया। कभी 4 और 4 8 बताया, कभी 6 और 8 बताया, कभी 5 और 3 8 बताया, बताओ। पिता पुत्र से, कल से तुम्हारे एग्जाम शुरू है, तुमने कुछ तैयारी की या नहीं? पुत्र पिता से, हाँ नया पेन खरीद लिया है, कपड़े ब्रश कर लिए, सिर्फ जूतों को पॉलिश करना बाकी है। सोनू पुलिस से, मम्मी ने कहा है कि कोई परेशानी हो तो पुलिस से कहना। पुलिस सोनू से, हाँ कहो। सोनू, पहले तो मेरे जूते के फीते बांध दो और फिर मेरी नाक पोंछ दो। अध्यापक, बच्चों बताओ वो कौन सी चीज है जो तुम रोज देख सकते हो लेकिन तोड़ नहीं सकते? छात्र, जी आपका मुंह। टीचर छात्र से, तुम स्कूल लेट क्यों आए? छात्र टीचर से, सड़क पर एक आदमी का नोट गुम हो गया था। टीचर, तो तुम उसकी मदद कर रहे थे? छात्र, नहीं, मैं वहां से उसके जाने का इंतजार कर रहा था, नोट मेरे पैरों के नीचे जो था। अध्यापक अजीत से, अच्छे काम करने वाले सदा स्वर्ग में जाते हैं, बताओ तुम कहाँ जाओगे? अजीत अध्यापक से, अरे जाने को तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ, पर माँ ने स्कूल से सीधा घर आने को कहा है।